गाइस, मैं आया हूँ अभी रश्मि को लेने के लिए और मेरे कुछ कपड़े हैं पीछे, ठीक है, कुछ कपड़े हैं मेरे जिसको मेरे को ड्राई क्लीन करवाना है। अभी नीतू की जो मेहंदी है उसके फंक्शन के लिए मेरे को कुछ कपड़े खरीदने हैं, रश्मि ने कुछ कपड़े खरीदने हैं। मैडम आ गई है वहाँ पे सामने, थोड़ा सा ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है ये, अभी देखना अभी मुंह बनाएंगे, बस जैसी कैमरा देखती ना वैसी स्माइल करने लग जाती है, जो रियलिटी है ना उसकी। देखो अभी तक मुंह सड़ा हुआ, कैमरा देखते साथ भी स्माइल करेगी, देखना अभी क्या बोला था, क्या बोला था? यही है दिखावा इसका बेसिकली, कैमरा देखते के साथ में, जब तक तो इसको पता नहीं होना तब तक तो अपने असली जैसे इसका चेहरा रहता है ना, बेसिकली जैसे इसका मूड रहता है वैसे में रहती है, कैमरा देखते के साथ में स्माइल दिखाने लग जाती है। तो ये और क्या ऐसी होता है। तो ये है झूठे लोग और ये है आपके सामने असली लोग। नो कमेंट्स। जितने ज़्यादा हो सके हम वीडियो अपलोड करेंगे और अभी हम लोग अपना डेली व्लॉगिंग वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा जा रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना, और जैसे जैसे कंटेंट क्रिएट हो रहा है आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि हम दोनों वर्किंग भी हैं जैसे कि, तो जैसे भी होता है जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने हैं ही, धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। तो चलते हैं फिर एक बार ज़रा मार्केट और वहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं अपने लिए। तो रश्मि और मैं पहुँचे हैं अभी सरोजनी नगर मार्केट और वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो लेते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। यहाँ से नीतू के मेहंदी के फंक्शन के लिए मेरे को लेना है ग्रीन लहंगा, बोलने वाला था मैं ग्रीन कुर्ता लेना है मेरे को अपने लिए, तो अभी वो देखते हैं यहाँ पे कहीं पे कुछ मिलता है तो, अदरवाइज़ फिर ये मार्केट चेंज करेंगे और निकलेंगे कहीं और। मैं जिस चीज़ के लाया था मैंने तो वो चीज़ ले ली अभी, ठीक है, और रश्मि कंफ्यूज है उसको क्या लेना है, मैंने डिसाइडेड नहीं था, तो मैं ऐसे इसको ऑफिस से उठा के लेकर आ गया था यहाँ पे। और भी काम मोमोस खाऊंगी मैं, ठीक है, ऑनलाइन चलता है, नहीं नहीं ऑनलाइन बाद में, ओके तो निकलते हैं फिर यहाँ से, अपने को हो गया काम, ठीक है निकलते हैं फिर यहाँ से। और ओके तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अब, और निकलेंगे अब घर और फिर उसके बाद देखते हैं, अगर बैडमिंटन खेलने जाना होगा तो वो जाएंगे, अदरवाइज फिर आगे काम अपने निपटाएंगे। तो भीड़ भाड़ से निकल के हम लोग आ चुके हैं अब अपनी गाड़ी के अंदर में, थोड़ी शांति से मिल रही है यहाँ पे, और एक छोटा सा काम रह गया अभी अचकन को ड्राई क्लीन करवाने के लिए देना है, और वो काम मेरे ख्याल से हो जाए जल्दी से तो ज़्यादा बेटर है, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्या गीतिशा पूरा घर फैला के जाती है, देखो गीतिशा ऐसे जब गीतिशा होती है और ये कितना खेल के आई है ना, गीतिशा तो दिखाना जरा अपनी शक्ल दिखाओ इधर, हालत देख लो उसकी, ये देखो जल्दी हरकतें करने वाली, दो घंटे के लिए आती है घर के अंदर में और पूरा पूरा घर फैला के और सामान खराब करके चली जाती है घर में, पिट्टी पिट्टी होगी गीतिशा की। चलो चलो गीतिशा जा रही है अब अपने घर। हाँ यही आ रही है, अच्छा वो भी आ रही है ना, ना है नहीं। गोल्फ लिंक वाला वो है ना, ठीक है उधर उधर, तो किधर जा रही हो तुम फिर, अगर इसको दो घंटे पहले से घर जाने के लिए बोलो ना तब ये रोने लग जाती है। अच्छा अब बाहर हो गया अंधेरा, तुझे घर जाना है और तो अब इसको घर जाना है, अब क्यों जाना है घर, मैं गाड़ी खोल जाऊँगा। अच्छा गीतिशा पीछे चल, पीछे आओ, चल अरे अरे ये तो रश्मि जा रही है यहाँ पे 4-5 किलो आलू खाने के बाद फिटनेस करने के लिए, आपकी हंस रही गीतिशा। अभी हम गीतिशा को भी धक्का मार रहे हैं गाड़ी से बाहर, ठीक है गीतिशा, हाँ लग जाएगी पूरी। गीतिशा किसकी गोदी में बैठी है, मोनी नानी है, मोनी नानी, मोनी नानी है आपकी, हाँ। है हाँ। फ्रेंड नहीं है, बाय मामा बाय, अरे वेरी गुड गीतिशा।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं लोकेश पान स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ मास्टर जी में। तो गाइस, आज का जो दिन है अलग अलग काम करवाने हैं। मेरे ड्रोन के अंदर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाना है। बाकी जयपुर जाना है नीतू की शादी के लिए, तो मेरे जो गाड़ी के टायर हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक बार उनको भी चेक करवा लेंगे। अगर शॉप पे जाके दिखाते हैं, अगर ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अभी थोड़ा बहुत उसमें सामान बच रहा है टायर्स के अंदर में, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज चेंज करवा लेंगे अपने टायर्स भी। मेहंदी के लिए जो मैंने कुर्ता पजामा लिया था, तो उसका जो पजामा है वो थोड़ा सा मेरे को टाइट आ रहा है, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है उसके अंदर में, तो उसको भी चेंज करवाना है। तो छोटी मोटी चीज़ें आज जो मेरे को करवानी है। तो ठीक है, फिर निकलते हैं और एक बार स्कूल से फ्री हो जाए उसके बाद ये सारे सारे काम निपटाएंगे आज अपने। पूरी कोशिश है सारे सारे ये काम निपट जाए। ओके, तो जस्ट अभी स्कूल ख़त्म करके मैं निकल रहा हूँ विक्की को पिक करने के लिए, मेरे फ्रेंड को, और उसके बाद जाएंगे हम लोग करोल बाग। कार के एक बार टायर्स दिखा लेते हैं, अगर ठीक कंडीशन रहेगी तो ओके, अदरवाइज एक टायर तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था, उसको तो चेंज करवाने। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो एक बार विक्की को पिक करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से करोल बाग के लिए। और छोटे मोटे तीन चार काम और हैं अभी, वो काम भी करने। तो भाई तो अपने भाई आ गए हैं, विक्की भाई, भाई हो गया भाई, विक्की भाई, सिल बैल डाल विक्की भाई। लोग पहुँच चुके हैं करोल बाग में और अभी विक्की गया जा स्ट्रेट पता करने के लिए मार्केट शॉप के अंदर में। और कंडीशन तो यार चारों टायरों की खराबी हो रखी है। देखते हैं अभी एक दो दुकानों पे से जरा पता करते हैं कि क्या क्या वो बताते हैं टायर के बारे में और कौन सी कंपनी का ठीक रहेगा, ये चीज भी देखते हैं अभी। ब्रिस्टन 46 और बाकी के पता करें, बाकी सीएट 45 से बोल रहा है, लगवा लेते हैं। क्या बोलते हैं, 45 तो इसने बोले थे ना, मैं इसी पे लगवा लेने का दिक्कत है। चलो देखते हैं अभी, बताते हैं क्या फाइनल करते हैं हम लोग। घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं पालिका केंद्र में। और विक्की एक जगह में कहीं पे से अच्छी डील नहीं दिलवा पा रहा भाई, सस्ता और महंगा छोड़ा है मुझे। तो अभी आए हैं यार एक बार ही एक दो दुकानों पे और पता करते हैं, देखते हैं फिर क्या मिलता है। गेट के नए टायर्स लगवा रहा हूँ इसमें, साथ ही साथ चल रही है इसकी व्हील बैलेंसिंग भी। अभी अपने चारों के चारों टायर ही हो गए थे एकदम ख़राब, नल मतलब एकदम ही, तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये है कि यार लंबा ट्रैवल करना होता अपने को तो उसको चेंज करवाना ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए अपने करवा लिए चेंज अभी। हम लोगों ने टायर्स चेंज करवा लिए हैं। अब थोड़ी सी एक छोटी मोटी टेंशन रहती है ना यार हाईवे पे निकलने की, और टायर वायर ख़राब ना हो जाए, कुछ पंचर वंचर ना हो जाए, तो वो थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे थोड़ा सा इन चीज़ों से, थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे। बाकी क्योंकि यार शादी में एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग, तो मतलब ये छोटी मोटी टेंशन है ना थोड़ा सा दिक्कत दे देती हैं। तो मैंने क्या करा, पहले मैं दो चेंज करवा था लेकिन मैंने बाकी चारों के चारों चेंज करवा लिया। अब तो ठीक है भाई, थैंक्स टू विक्की, विक्की भाई ने यहाँ पे हमारे को बहुत मोटा डिस्काउंट दिलवा दिया। साला 1 रुपया कम नहीं करा यार। तो ठीक है, हो गया जो भी था हमारा, सारे सारे एक टेंशन वो ख़त्म हुई। बाकी अभी मेरे को अपने ड्रोन की सेटिंग करवाने के लिए जाना था बेसिकली, तो वो काम तो आज नहीं हो पाएगा मेरा, वो होगा कल। तो अभी मैं SN वाला अपना काम निपटा लेता हूँ, आसपास में ये शॉप्स भी जो है, तो एक बार SN भी चल लेते हैं, अपना काम निपटाते हैं और थोड़ा सा फिर आज की डेट के अंदर में शाम के टाइम पर रिलैक्स करेंगे। अभी मैं SN पहुँच गया हूँ यार, SN में एक बार अपने चेंज वेंज करवाते हैं और देखते हैं, एक बार मिल जाना चाहिए अपने साइज़ का, बेटर रहेगा है ना, चलते हैं एक बार। तो साइज़ चेंज करवा लिया मैंने, बाकी अभी ढूंढते हैं यार विक्की को, कहाँ पर हैं भैया जी हमारे। ओके, तो मैंने विक्की को कर दिया है ड्रॉप और अब मैं जा रहा हूँ घर पर, रश्मि से मिलते हैं, देखते हैं उसका क्या प्लान है आज का, और फिर एडिट करते हैं यार अपनी वीडियोस को। भाई रश्मि तो अभी तैयारी कर रही है अपनी ज्वेलरी वेलरी के साथ में, ठीक है। और थके थके से लग रहे हो रश्मि? 12 बज रहे हैं, मैं 8 बजे से लगी हुई हूँ, अभी भी पैकिंग नहीं हुई है।
तो बेसिकली ना रश्मि ने, जब मैं वहां से आया तो रश्मि ने पूरा घर फैला के रख रखा था बहुत गंदी तरीके से, मतलब अपने ऊपर को पूरा, मतलब यही था सारा का सारा, रश्मि ने पूरा गंदी तरीके से सारी चीजें फैला के रख रखी थी, इधर से पूरा कमरा गंदा कर रखा था। रात के 12 बज गए हैं अब, ये देखो टाइम 12:05 हो गए हैं। मैंने आज से आधा व्लॉग जो है वो एडिट कर दिया है, अब ये लास्ट वाला पार्ट है, थोड़ा सा रश्मि से मैंने कहा आप लोगों को मिलाता हूँ और ये वाला पार्ट है इसको फिर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। रश्मि कर रही है पैकिंग शादी के लिए, अपनी कुछ ज्वेलरी वेलरी समेट रही है, अब इसको टाइम मिला है थोड़ा सा, तो ठीक है फिर हम लोग भी सोने की तैयारी करते हैं। अब वीडियो को मैं एक्सपोर्ट पर डालता हूँ, ये वाला पार्ट उसके अंदर मैं डालता हूँ और डालते हैं वीडियो को एक्सपोर्ट पे और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के अंदर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, जय हिंद।